जनता के बीच में जो है रहते हैं, 50 लोग आपको मिलेंगे, 50 तरह की जो है बातें जो है होंगी। आज तक जो है जो भी लोग जो है सत्ता में रहे, 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के जो है एक सरकार को जो है छोड़ दिया जाए, इतनी छटपटाहट है कि कम मलाई हमको जो है ना मिले। तो मलाई खाने के लिए ये लोग जो है गठबंधन जो है बना करके, और जो है एक अच्छी सरकार जिसने की जो है DBT कराया, हर एक के डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कराया अकाउंट्स में, जो पैसा वहां से चलता था दिल्ली से, वो बंदे को जो मिलता था 20 पैसे मिलता था, अभी जो है 1 रुपए का उसको 1 रुपए जो है सीधा सीधा मिलता है। तो वो पैसे जो है, जो 80 पैसे जो है जो बिचौलियों में जो चले जाते थे, उसकी जो है इनको जो है परेशानी है कि जो है ये हम जो है क्यों नहीं जो है ले पा रहे हैं। तो मोदी जी ने तो अच्छा काम किया, अब मोदी जी जो है संविधान बदलने, एक भाई साहब अभी जो बोल रहे थे कि जो है संविधान बदलने के लिए, संविधान कैसे जो है बदला जाएगा, संविधान मतलब जो है अगर गरीबों का कल्याण हो, गरीबों को घर अगर मिल रहा है तो संविधान बदला जा रहा है, गरीबों को DBT जो है किया जा रहा है तो संविधान बदला जा रहा है, कैसे जो है संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला नहीं जा रहा है, संविधान को असल में जो है उसको जो है जमीनी हकीकत पे जो है ले आने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी जब तक हैं तब तक देश सुरक्षित है, और किसी प्रत्याशी के ऊपर जो है ये नहीं है कि वहां पे चुनाव हो रहा है वो प्रत्याशी को वोट जो है मिल रहा है, उस प्रत्याशी को हम जो है वोट जो है दे रहे हैं, हम दे रहे हैं वोट जो है मोदी जी को जो है दे रहे हैं। मोदी जी जो है देश के लिए जो है कर रहे हैं, उनके जो है व्यक्तित्व पे, उनके जो है कृतित्व पे जो है दिया जा रहा है वोट। कोई ऐसा नहीं है कि जो है अगर वो प्रधानमंत्री है तो उन्होंने जो है कोई जो है गलत जो है काम कर दिया। इन लोगों जो है स्विस बैंकों में जो है इन्होंने अपने जो है डॉलर जो है भर के जो है रखे हैं, स्विट्जरलैंड में जो है कितना जो है काला धन जो है लेके रखे हैं लोग, लेकिन काला धन ले आने वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात है कि जो है आपने जो है पहले जो है क्या किया, पहले जो है आपने कुछ नहीं किया, फिर इसके बाद जो है आकर के जो है फिर इसके बाद सत्ता की मलाई जब आपको नहीं मिल रही है तो आप छटपटाहट में आप उसको जो है ये खुदक रहे हैं कि हमको मिल जाए। ऐसा जो नहीं होना चाहिए, जनतंत्र है ये, जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको जो है आजादी है कि सब जो है अपने अपने अधिकारों को जो है जिए, और उस अधिकार को जो है मोदी जी सबको जो है दे रहे हैं। इस वजह से उनकी जो है रिटर्न जो है फिर से जो सरकार जो है आने की बारी है, फिर से आएंगे तीसरी बार मोदी सरकार। सरकार तमाम सरकारी संस्थाएं बेच दिए हैं, ये संविधान के विरोध में कार्य नहीं है। सरकार किस पर आप चलाएंगे, प्राइवेट एजेंसियों पर सरकार चलाएंगे और प्राइवेट एजेंसियों के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। आज के पहले जब जो है सरकारें जो थी तो क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं था, कौन से जमाने में जो प्राइवेटाइजेशन नहीं था, और प्राइवेटाइजेशन जो है निजीकरण जो हुआ है, निजीकरण जो है उन धंधों का जो नहीं हुआ है जो कि जो है ऐसे है। आप जो है किसी भी जो है सरकारी हॉस्पिटल में जो जाते थे, कल जो है पीच बस जो है दिखती थी, पान की थूक जो है दिखता था जो है कोने कोने पे। आज जाके आप जो है हॉस्पिटल से में जो देखिए, वहां पे भी जो है निजीकरण हुआ, वहां पे भी जो है आपका कैबिनेट मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश का आरोप लगाता है कि 4 लाख रुपया ले लिया गया 4 दिन में और उनकी मां नहीं बची। आपके सरकार का मिनिस्टर कैबिनेट का जो बोल रहा है ओम प्रकाश राजभर, जिसका लड़का यहाँ लोकसभा में चुनाव लड़ रहा है और जिसको आप जिताने की बात कर रहे हैं। हम सरकारी हॉस्पिटलों की बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल तो सारे लोग रोते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा यहाँ तमाम अल्ट्रासाउंड बंद है, यहाँ एक्सरे बंद है, अभी आपस में कोई झगड़ा करता है तो मेडिकल के लिए यहाँ बलिया जाना पड़ता है, आजमगढ़ जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। बात को सपोर्ट करता हूँ, जो जितना ये लोग भाषण अब दे रहे हैं बीजेपी वाले, अब आने वाले नहीं है, ये प्रदेश में मात्र 25-30 सीट पे सिमट के रह जाएंगे, सपा गठबंधन सरकार बनेगी, ये लोग हवा में हैं। अभी नहीं, माऊ से पूछ लीजिए, 400 के पार कहने से 400 नहीं आ जाएंगे, जादू की छड़ी है क्या, 400 पार आ जाएंगे, 400 पार। ये लोग सुन लीजिए, मैं बता दूं सही चीज धरातल पे क्या है, ये 5 किलो अनाज ले करके गरीबों का फिर ऑर्डर कर रहे हैं, अगर वो कमाएगा खाएगा मेहनत से कमाएगा वो पैसा अंग लगेगा, फ्री का अनाज दे करके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सत्ता के लोभियों को, सत्ता के लोभियों को ये लग रहा है कैसे गरीब को जो है घर जो है मिल गया, कैसे गरीब को जो है पूरा पैसा मिल गया घर का,
ये सत्ता लोभियों को जो है ये चीज जो है खटक रही है। अर्जुन जो जान रहा है मोदी जी अपने घर से नहीं आवास दिए हैं, पहले क्यों नहीं मिला इन सारी चीजों को, पहले क्यों नहीं मिला, पहले दाल का दाम क्या था, बिजली बिल का दाम क्या था, पेट्रोल का दाम क्या था, गैस सिलेंडर का क्या दाम था, 450 में गैस मिलने वाला 1200 रुपए में गैस सिलेंडर मिला, और वही सब छोड़कर आवास मिला और इस आवास में घुसखोरी नहीं हुई। 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए ये अधिकारी कमीशन लिए तब आवास मिला है, और अभी भी तमाम आवासों की पूरी पेमेंट नहीं हुई है। यही सत्य है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हम भारतीय अभी आपने योगी की बड़ाई बतिया है, योगी की बड़ाई बतिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो सही काम करेगा उसकी प्रशंसा करेंगे, जो गलत काम करेगा योगी जी उस लायक हैं, ईमानदार हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, नहीं जो उनकी जो उनकी में 70 सीट नहीं जो उनकी क्षमता है वह निकालेंगे भाई साहब। वो तो मैं बता दो बीजेपी गवर्नमेंट के पॉलिसी के विषय में ये बताइए। सहारा का पूरा सुब्रत राय मर गए, इसके बाद जितने लोग कम से कम मऊ डिस्ट्रिक्ट में कम से कम इसके जो है 50,000 से अबव होगी जो पॉलिसी चलाते हैं। आज मोदी जी ने सारा पैसा जो है जमा कर रखा हुआ है भारत सरकार के खाते में, और इसमें आज तक किसी भी की 10,000 रुपया आए और लॉन्च किए चुनाव से पहले कि 10,000 सबके खाते में जाएगा, 10,000 गया कहाँ? यही है बीजेपी की पॉलिसी, जनता का पैसा लूट करके जनता को बर्बाद करने की पॉलिसी है। आइए बताते हैं कि बहुत बड़ा 56 इसके सीने गरीब गरीब मरने जा रहा है, नहीं लेते की बात करते हैं, तमाम देश को लूट कर भागने वाले उसको बर्बाद किया जा रहा है। यही मोदी की पॉलिसी है, भगवान राम को यही लाने वाले हैं, भगवान राम को यही लाए, और नीरव मोदी को क्यों नहीं ला रहे हैं? तमाम लूट कर खजाना देश को लूटने वाले उनको क्यों नहीं ला रहे हैं? उनका भी नंबर आएगा जल्दी ही। और सहारा का उन्हीं का नंबर है, किसका नंबर है? नीरव मोदी का नंबर है, इस बार आएंगे। इस बार मोदी जी जो है फिर से सरकार बनी ना, तो जितने भी भ्रष्टाचारी भागे हैं पैसा लेकर वो सब आएंगे। मोदी तो आएंगे ही नहीं, मोदी तो आएंगे ही नहीं, ये तय हो गया। मोदी फिर उत्तर प्रदेश में सरकार अगर चुनाव होता है 2027 के बाद तो फिर योगी जी आज शाम को आप फिर इस आगू चाय वाले अड्डे पर जो है एक बार इंटरव्यू जो लीजिएगा भाई साहब को, मैं आमंत्रित करूंगा कि ये भी आएंगे, हम भी आएंगे, और उसी दिन जो है फिर इसके बाद जो है देखा जाएगा जो भी जो सरकार योगी जी की तो छवि मोदी पर बात कर रहे हैं ना, अमित शाह पर बात कर रहे हैं, आएंगे और सोमवार के साथ होना है, चार सोमवार के साथ चार सोमवार चाहिए आज लेके बैठी है आप लोग, आने वाला कल मोदी की यहाँ से कम 20 से 25 सीट पे सिमटने जा रही है। बीएसपी से लड़ाई चल रही है, यहाँ गाजीपुर मऊ आजमगढ़ बलिया ऐसा कैंडिडेट आ गया है कि ये लोग छोड़ के भाग चले हैं। तीसरे नंबर की पार्टी भी यही बलिया गाजीपुर में आ जाएंगे, आजमगढ़ में तीसरे नंबर पे जा रही है, मऊ डिस्ट्रिक्ट में तो पते नहीं चलेगा, अब बलिया में देखिएगा, बलिया में इनका पत्ता भी साफ होने जा रहा है। कितनी सीट आ रही है सपा से? सपा की कम से कम 40 प्लस, और आपके ये भाजपा की? भाजपा की तो मान लीजिए 20 से 25 और कांग्रेस ये आ जाएगी, कांग्रेस आएगी और इसका बसपा आएगी। प्रेडिक्शन जो दे रहे हैं बीजेपी 77 प्लस रहेगी, भैया लिख के ले ली, अब जाइए पता चलेगा आपको, आज लिख लीजिएगा, मैं भी यही रहूंगा, 4 जून के जो है आपको यही मिलेंगे 77 प्लस पे। अरे अब पता चलेगा, समय का निर्धारण हो गया, बस इसी सीट में 8 सीट की लड़ाई चल रही है, पता चल जाएगा किस खेत की मूली है बीजेपी। 2 महीना नहीं है, अरे बीएसपी आ गई ना, बीएसपी आ गई, आधी में उड़ जाएंगे लोग, समाजवादी और गठबंधन जीत के आएगा। तो बड़ी नोकझोंक हुई यहाँ पे, हर पार्टी के लोग नजारा देखने को मिला, हर अपनी भी बात करने का अधिकार दिया, क्योंकि संविधान ये कहता है कि हर आदमी फ्री है अपनी बात को कहने का। ऐसे में यहाँ हर तरह के प्रत्याशी थे, कोई भाजपा के समर्थक था, कोई समाजवादी पार्टी से था।